कोई पूजा पाठ होती है ना कोई नई कपड़ा पहनता ना कोई बेचा बेटा दिमाग से बहुत तेज पाएंगी क्यों अच्छा। रावण का गाँव है दुर्व्यवहार करेगा चाहे वो राम हो कोई भी हर इंसान रावण बन जाएगा हर भाई रावण बन जाएगा इसे तक यहाँ पर काफी खतरनाक हो सकता है यहाँ पर सांप हो सकते हैं। सुरंग यहाँ पर बनी हो सुरंग कहाँ जाती है सुरंग पाताल लोग जाती है या कहाँ जाती है क्या वहाँ पर रावण बैठकर पूजा करता था। हेलो राम राम दोस्तों मैं दीपू सिंह राजपूत और आज आप लोग अखबार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीपू के ब्लॉग्स में। तो आप देख सकते हो कि मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ ये दशरथ रावण जन्मभूमि का बोर्ड लगा हुआ यहाँ पर जो कि लंकापति रावण का जन्म यही हुआ था दशरथ के अंदर। और आप देख सकते हो बोर्ड में भी बकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है कि रावण का जन्म यही हुआ था रावण जन्मभूमि। तो अभी हम चलकर आपको वो जो उनका मंदिर है और उनका घर अभी आपको पूरी जानकारी वहाँ पर आपको देंगे। तो आप वीडियो भी लास्ट तक बने रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम बैक कैमरे से आपको यहाँ के लोकेशन दिखाते हैं। हम लेकर चलते हैं रावण के घर पर और जो वहाँ का मंदिर आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हो कि यहाँ विश्रम पहुंच चुका हूँ और ये बोर्ड लगा है गुज्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज गांव विश्रक रावण जन्मभूमि। तो आप देख सकते हो वही रावण जन्मभूमि है जहाँ का रावण दशानंद लंकेश लंकापति जो रावण थे उनका जन्म इसी गांव में विश्रक में हुआ था। और ये आपको मैं विश्रक का बोर्ड दिखा देते हैं और यहाँ देख सकते हो ये कोतावली विश्रक गौतम बुद्ध नगर के अंदर पड़ता है ग्रेटर नोएडा के पास। तो अब यहाँ पर काफी डेवलपमेंट हो चुका है पर अभी आपको हम लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि उनका घर मंदिर कहाँ पर है। तो चलिए आगे चल के आपको हम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो ये गेट है एंट्री का और इधर से हम एंट्री करेंगे और फिर ये अंदर मंदिर है जो कि जहाँ रावण का जन्म हुआ था विश्रक के अंदर हम पहुंच चुके हैं। रावण की जन्मभूमि जो लंकापति रावण जिनके भुजाओं में इतना दम था जिनसे पूरी दुनिया कांपती थी उनके जन्मभूमि पर हम लेकर आए हैं आपको। और अभी आपको हम दिखाते हैं अंदर चल के कि क्या क्या चीजें यहाँ पर है उनके क्या अवशेष यहाँ पर हैं अभी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम अंदर के लिए एंट्री करते हैं और ये गेट है अंदर एंट्री करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये मंदिर के लिए हम एंट्री कर चुके हैं और ये आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं जो कि यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है यहाँ पर पीपल के पेड़ के पास में। और उसके आगे हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ पर शनि जी की मूर्ति है और शनि जी की स्थापना और कि यहाँ पर शनि जी की पूजा होती है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि ऐसे रावण का तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि वो खुद ही काल को अपने बस में करके रखते थे। 10 सर होने के बाद इतनी भुजाओं में इतना बल था कि वो किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझते थे। और शनि जी की मूर्ति की स्थापना हो रखी है जो पूजा भी करते थे वो। और यहाँ पर आपको हम आगे चल के पूरी जानकारी देंगे। तो रावण जो कि हर कोई जानता है कि लंकापति रावण जो बताया जाता है पर उनका जन्म यहाँ हुआ था तो भी आपको हम पूरी जानकारी यहाँ पर देते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम अभी अंदर गेट में एंट्री करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि रावण जन्मभूमि जहाँ पर शिव जी की स्थापना हो रखी है और उनकी पूजा किया करता था रावण यहाँ पे। तो पूरी जानकारी अभी आपको हम दे रावण के जो दादा थे वो पुलिस मुनि थे और उनके जो पिता थे वो बिसवा थे और उनकी माता जो कैकेसी थी जिनके अंदर राक्षसनी के गुण थे और इसी वजह से वो गुण रावण के अंदर भी आ गया था। और ये पुलिस मुनि जो रावण के दादा थे उनके द्वारा स्थापित इस मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग भी है जिसकी वहाँ हर रोज पूजा हुआ करती थी। उनके जो पिता थे बिसवा उनका भी जन्म यहीं पर हुआ था और उनकी माता जो कैकेसी थी यहीं पर रहते थे सब कोई। और ये हम रावण दशानंद की हम फोटो दिखाते हैं जो कि चलिए आपको हम अंदर एंट्री करते हैं और दिखाते हैं कि जो रावण का जन्म हुआ था उससे जुड़ी जो भी बातें आपको हम पूरी जानकारी यहाँ पर दें। और अभी हम एंट्री करते हैं यहाँ पर और जो शिवलिंग की स्थापना हो रखी है और रावण का जो जन्म हुआ तो यहीं पर हुआ था वो भी आपको हम पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे। शिवलिंग की स्थापना हो रखी है और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक से बड़े घंटे लगे हैं। तो अभी चलकर आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर जो रावण का जन्म हुआ था ये वो जगह है यहाँ पर आप देख सकते हो उनके माता और उनके पिता और सबकी यहाँ पर फोटो लगी। यहाँ पर शिव जी की स्थापना हो रही है तो शिव जी की भी फोटो यहाँ पर लगी हुई। आप देखो कि यहाँ पर उनके गले में जो नाग है नाग विराजमान है और इधर पर पार्वती और शंकर जी की फोटो इधर भी लगी हुई आप देख सकते हो। और इधर भी आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ देख सकते हो जो कि शिव जी जब गुस्से में होते तांडो करते थे वो उस टाइप की यहाँ पर फोटो लगी है। और ये जो मंदिर आपको हम दिखा रहे हैं ये गौतम बुद्ध नगर विश्रक के अंदर यहाँ पर पड़ता है। और ये इधर आपको हम दिखा देते हैं श्री गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर
जो कि यहाँ पर पहले गणेश जी की पूजा हर जगह पर की जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी की फोटो भी और सारी बातें भी आपको हम दिखाएंगे चाहते हैं। और यहाँ पर नंदी की देख सकते हो मूर्ति है, यहाँ पर जहाँ शिव जी की मूर्ति हो और वहाँ नंदी का गेट के सामने फोटो जरूर होता है, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो कि ये मंदिर जो ओम नमः शिवाय लिखा हुआ, और ये मंदिर यहाँ पर रावण का जन्म हुआ था, यही वो जगह है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ श्लोक भी लिखे हैं, तो आपको हम श्लोक दिखा देते हैं। ये श्लोक आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और शिव जी की यहाँ पर जो स्थापना हो रखी है शिवलिंग की, जो कि बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ पर है, वो आपको हम अभी दिखाते हैं। पर उससे पहले आपको हम इधर दिखा देते हैं कि ये बाहर का नजारा आप देख सकते हो, जो कि पहले बहुत पुराने टाइम पर यहाँ पर बहुत ही प्राचीन जगह ही है, पर ये बहुत पुराने टाइम की बात है जहाँ जब रावण का जन्म हुआ था, तो उस टाइम तो यहाँ पर इतना कुछ नहीं था। पर अब देखते हो कि यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो रखी है और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ बन रही है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के पास में है। चलिए आगे आपको हम दिखाते हैं, और यहाँ पर आने में हमको काफी देर हो गई है, तो इसलिए पंडित जी है वो खाना खा के आराम करने के लिए चले गए, वरना अभी हम उनसे भी बात करवा देते आपकी। तो अभी आपको हमें बाहर का नजारा भी दिखा दिया, और अभी अंदर चलकर आपको हम वो शिवलिंग दिखाएंगे जहां पर रावण पूजा करता था शिव जी को प्रकट करने के लिए, जो शिव जी की स्थापना की थी, जो यहाँ पर रावण को आप जानते हो कि बहुत ही बलशाली और बहुत बुद्धिमान था रावण, पर उसका जो विनाश हुआ सिर्फ और सिर्फ वो जो सीता जी का हरण के इस वजह से। और अभी आपको हम दिखाते हैं अंदर चलकर, और आपको हम ये जानकर यहाँ पर आपको हम ये शिवलिंग दिखा रहे हैं, और ये आपको हम ये आंटी जी से मिलवाते हैं जो कि यहाँ बिसरक की रहने वाली हैं, और यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं, और यहाँ पर दशहरा मनता या नहीं मनता है, और रावण का जन्म हुआ था, जितनी ज्यादा जानकारी हो सके आंटी जी आपको भी यहाँ पर देंगी। तो आंटी जी आप बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ के बारे में भाई रावण का ये मंदिर है, बहुत माना जाता है, और हम यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, आठ परिवार से ही है, और दशहरा वाले दिन आज के कोई यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता है, ना ही यहाँ कोई पूजा पाठ होती है, ना कोई नई कपड़ा पहनता, ना कोई दशहरा देखना जाता है, कुछ नहीं होता, मतलब उस दिन इतना शोक होता है। अगर बहुत जिस दिन पूरे देश में दशहरा मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाती है, उस दिन यहाँ पर शोक मनाया जाता है, दशहरे वाले दिन यहाँ पर कोई शुभ काम या दशहरा नहीं मनाया जाता है। अच्छे काम होते ही नहीं, कोई ड्यूटी भी नहीं जाता, खाना भी नहीं बनता, कोई नए कपड़े भी नहीं पहनते, अच्छा काम कुछ नहीं होगा यहाँ पे, उन्हीं का मंदिर है, उन्हीं की जगह। तो जैसे कि बताते हैं कि जो रावण के दादा थे पुलिस मुनि, और उनके जो पिता बिसरक वो भी यहीं पर जन्म हुआ था उनका भी, और उसके बाद रावण का भी जन्म नहीं होता है, जन्मभूमि यहीं पर है। अच्छा, बिसरक गांव और धार क्षेत्र में सबसे नंबर वन पे यहाँ पहले से भी और आज भी तो यहाँ की बोली जाती है, दिमाग से भी चाहे बेटी है चाहे बेटा, दिमाग से बहुत तेज पाएंगी। अच्छा, रावण का गांव है, और रावण रावण तो वैसे भी अपना में बहुत बड़ा बुद्धिमान तो थे ही, वो शक्तिशाली भी थे, पूरा इसमें कोई बाहर का भी आ जाए तो वे भी बुद्धिमान बन जाएगा। बस वही एक गलती जो कि हर कोई रामायण में दिखाता, वही एक गलती अगर दिखाई जाए, वरना तो जितना ज्यादा बुद्धिमान और उतना ज्यादा शक्तिशाली तो उसे कोई नहीं था। फिसल जाती है तो कोई बात अहंकार की निकल जाती है, तो अहंकार से अपनी बहन के लिए लड़ा था। हाँ, अगर देखा जाए तो जैसे कि वहाँ पर बताया जाता है कि जो शूर्पणखा वहाँ से अगर वनवास से जाती नहीं वहाँ पर, उसने तो अपनी बहन के लिए लड़ा है ना, जो भी लड़ा है युद्ध जितना भी हुआ है, उसके बहन के खिलाफ लड़ना कोई जुल्म तो है नहीं, कोई किसी बहन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे चाहे वो राम हो कोई भी, हर हर इंसान रावण बन जाएगा, कोई हर हर भाई रावण बन जाएगा। भाई ये गांव है जिसका काम है, उनकी जन्मभूमि है, उनकी प्रॉपर्टी है, जिसमें उनका ये स्थान बना है, मंदिर बना है। तो इस मंदिर के अलावा भी उनकी और कोई घर या कोई और जगह है? हाँ, घर है, गांव में है, उनके परिवार पीढ़ी चली आ रही है। तो जैसे कोई पुराना घर वर या कुछ है जगह यहाँ पर, या सिर्फ मेन ही मंदिर है? मेन मंदिर ये तो खेतों में बनाया गया है। अच्छा, उनकी अपनी जमीन है, प्रॉपर्टी बनाए गए हैं। अच्छा, और काफी पीछे पड़े हैं इधर सारे। के बारे में जो जानकारी थी वो जानकारी दी, और यहाँ पर जो शिवलिंग की स्थापना हो रखी है वो भी आपको हम यहाँ पर अंदर चल के दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत विशाल शिवलिंग की स्थापना हुई है, और यहाँ पर कहते हैं कि खुदाई भी की गई थी पर इसका कोई अंत नहीं हुआ, क्योंकि ये शिवलिंग बहुत पुरानी, और जो उनके दादा पुलिस मुनि थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो अभी आपको मैं शिवलिंग अंदर से भी दिखा देते हैं कि आप देख सकते हो ये बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ पर है, और ये काफी नीचे तक है यहाँ पर,
और इसकी अगर खुदाई भी की गई थी बताते हैं, पर उससे कोई अंत इसका हुआ नहीं। और ये मंदिर आप देख सकते हो जो कि ये विसरक के अंदर यहाँ पर रावण का जन्म हुआ था, और यही वो विशाल मंदिर है, यही वो शिवलिंग है जहाँ पर रावण पूजा करता था यहाँ पर, और उनके दादा और जो उनके पिता थे वो भी यहीं पर पूजा करते थे। तो यही वो शिवलिंग जो अभी आपको हम दिखा रहे हैं विसरक के अंदर। तो चलिए आपको हम इससे जुड़ी और जानकारी अभी आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। और आप देख सकते हो कि ये मंदिर है यहाँ पर जो भी हमने आपको दिखाया, और उसके साइड में भी आपको हम दिखा देते हैं कि ये कुछ पता है गुफा टाइप का है कुछ यहाँ पर, जो कि शायद पहले रावण के जमाने में अंदर जाने के लिए कुछ जगह रही हो। तो ये तो बंद है कि हमने पंडित जी से बोलने के बाद यहाँ पर बहुत मिन्नत की, तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा गेट खोल दिया और बोला कि ज्यादा अंदर न जाके थोड़ा सा आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो ये भी आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं कि ये बहुत पुराने जमाने का यह जो गुफा है जो रावण की पूजा होती थी, यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं कि ये बहुत पुराना, और इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि पूरा अंधेरा है और अंदर क्या है ये हम नहीं जानते हैं। तो इसके अंदर जाना मना है। पंडित जी ने बोला कि अंदर आप जाओगे तो काफी खतरनाक हो सकता है, यहाँ पर सांप हो सकते हैं या कोई खतरनाक जानवर मिल सकता है, तो इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं, वरना अभी आपको हम दिखा देते हैं। तो अभी हमने आपको वो गुफा भी दिखाई जहां पर जो सुरंग यहाँ पर बनी हो, सुरंग कहाँ जाती है, सुरंग पाताल लोक जाती है या कहाँ जाती है, क्या वहां पर रावण बैठकर पूजा करता था, क्या रावण यहाँ पर कुछ भी काम करने से पहले वहां पूजा करने जाता था, या उससे जुड़ी उससे रहस्यमयी बातें क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। वो रहस्यमयी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते जो हमें नहीं पता है, पर जितना ज्यादा हो सका हमने आपको यहाँ पर दिखाया। तो उसके अंदर क्या है ये सवाल हर किसी के मन में रहेगा, क्योंकि लंकापति रावण से जुड़ी हुई वो कहानी, और जैसे कि हर कोई जानता है कि जब रामायण में लड़ाई होती है, जब रावण के पूरे परिवार का वहां पर वध कर दिया जाता, तो विभीषण तो अपने भाई का साथ छोड़ के चले जाते हैं, और कुंभकर्ण है उनके जो भी बेटे हैं जितने दिन का वध किया, तो फिर जो रामायण की जो लड़ाई का जो लास्ट दिन होता है, जिस दिन गाना आता है यही रात अंतिम यही रात भारी, तो ये तो हर किसी ने देखा है, तो उस दिन उनको ये जगह याद आती होगी क्योंकि यहाँ उनका जन्म हुआ था, यहीं पर उनका बचपन बीता था। तो हर कोई जानता है कि जब किसी का अंतिम समय आता है तो उनको सारी चीजें याद आती है। दोस्तों मेरी ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है जो मैं रावण जन्मभूमि विसरक आया था, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। तो वीडियो जैसी भी लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और नई जगह की वीडियो आप कहाँ देखना चाहते हैं, किस जगह की देखना चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके आप बता सकते हैं। तो चलिए हम इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।